बुलंदशहर से सुनील राघव की रिपोर्ट। बीमार रिटायर्ड कर्नल के बेटे ने अपने पिता के इलाज के लिए पूर्व विधायक से ब्लड डोनेट की मांग। बाहुबली पूर्व विधायक गुड्डू पंडित पहुंचे जीवनधारा ब्लड बैंक। आर्मी से रिटायर्ड मेजर जिनका बेटा असम में आर्मी में है, लॉकडाउन की वजह से वो आ पाने में था असमर्थ था। कार्यरत फौजी के पिता रिटायर्ड मेजर जो कि अपनी बीमारी के चलते बुलंदशहर के मर्दुगल हॉस्पिटल में एडमिट है, जिनको डॉक्टर की सलाह अनुसार खून की कमी बताई गई, जिसकी सूचना परिवार के माध्यम से बेटे तक पहुंची। दूर होने के कारण आसाम में ड्यूटी पर तैनात बेटे ने पूर्व विधायक से अपने पिता के लिए खून देने की बात कही, जिसको सुनकर गुड्डू पंडित जी ने रिटायर्ड कर्नल को ब्लड देकर मानवता के साथ एक बेटे का फर्ज अदा किया। इस भाव को देखते हुए रिटायर्ड कर्नल की पत्नी पूर्व विधायक को आशीर्वाद देते सराहना की। वह पूर्व विधायक की इस महानता के लिए ड्यूटी पर तैनात मेजर साहब के बेटे ने वीडियो के माध्यम से विधायक जी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया है। नमस्कार बहन, विधायक गुड्डू पंडित जी के लिए मैं गौरव कुमार शर्मा आसाम में पोस्टिंग हूँ और इन्होंने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है। मेरे पिताजी मुगदल हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में एडमिट हैं। मैंने इनको फ़ोन पर बताया कि सर मेरी एक प्रॉब्लम है, उनको समस्या है, ब्लड की दिक्कत ज़्यादा आ रही है। इन्होंने तुरंत समय रहते हुए पहुंचकर वहां पे ब्लड का प्रबंध किया, जिससे मेरे पिताजी को राहत की सांस मिली है। तो मैं इन सर का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं इनकी कामना नहीं कर सकता जो इन्होंने मुझे इतनी बड़ी हेल्प दी है। सर जी के लिए मेरा सैल्यूट। जय हिंद। थैंक यू सर।